गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है इसमें हम देखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 एंड चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12। एंड सॉल्यूशन किस में आएगा? आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। ये आएगा आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमको ये जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों पर हमको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? देखिए, होता ये है कि जब भी आप पहले डिफाइन करो आप सॉल्यूशन, किसको डिफाइन करो? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? देखो, आप ऐसा करो, किसी भी दो चीज को आप लो, दो कंपोनेंट को लो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को लो और उनको आप मिक्स करो। क्या करो उनको? उनको आप मिक्स करो और मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। और जो दो चीज को हम मिला रहे हैं, मान लो हम मिला रहे हैं ए को और किसको मिला रहे हैं? बी को मिला रहे हैं। तो इन दो चीजों को मिला रहे हैं तो मिलाने से क्या बन रहा है? होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। और बहुत देर के बाद छोड़ भी दिए, हम मिलाने के बाद भी अगर हम छोड़ दिए तो भी ए और बी सेपरेट नहीं हो, उसमें वैसे ही एक दूसरे में मिला जुला रहे। तो ऐसे मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सॉल्यूशन। कंडीशन ये है कि ये दो चीज इनको हम मिलाए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये दोनों नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एसिड लिया, सपोज कर लीजिए आपने ले लिया ए के रूप में एसिड और बी के रूप में बेस और दोनों को मिला दिया, तो मिला दिया तो वो दोनों तो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे, तो क्या उनका मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा? नहीं, सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिला रहे हो और वो दोनों कंपोनेंट आपस में केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। और किस तरह से मिल रहे हैं? इस तरह से मिल रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर रहे हैं वो। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब सॉल्यूशन का डेफिनेशन हुआ कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जहां पर दो कंपोनेंट को आपस में रिएक्ट नहीं करना होगा, उनको अनरिएक्टिव होना होगा आपस में। मींस द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, वेयर द टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। मतलब सॉल्यूशन में हम जितने भी कंपोनेंट्स को मिलाए, मिलाने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए और उन कंपोनेंट्स को आपस में रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, ये रिएक्शन क्या, ये मिक्सचर क्या है? ये मिक्सचर है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें दो पार्ट है। अगर मान लीजिए हमने दो चीज, अब पर्टिकुलरली मान लीजिए इसमें हमने दो चीजों को मिलाया है, ए और बी को हमने मिक्स किया है ताकि होमोजीनियस मिक्सचर बना सके, ताकि हम सॉल्यूशन का निर्माण कर सके। तो इसमें दो चीज मिलाया, मान लीजिए ए को और बी को, हो सकता है ए को कम मात्रा में मिलाया और बी को ज्यादा मात्रा में, तो जो कम अमाउंट में मिलाया जाएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे हम उसको? सॉल्यूट बोलेंगे। एंड जो ज्यादा मात्रा में मिलाया जाएगा जैसे बी, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसको? हम सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लीजिए कि एक 100 ml वाटर है, उस 100 ml वाटर में 10 ml आपने इथाइल अल्कोहल को मिला दिया, डिसॉल्व करा दिया, तो 100 ml वाटर में 10 ml इथाइल अल्कोहल है, तो ज्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर है। तो वाटर ज्यादा अमाउंट में है इसलिए वो सॉल्वेंट हुआ, और कम अमाउंट में कौन है? कम अमाउंट में इथाइल अल्कोहल है इसलिए वो क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। सो सॉल्यूट वो होगा जो कम अमाउंट में होगा सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट वो होगा जो ज्यादा अमाउंट में होगा सॉल्यूशन के
तो तीन चीजें आपने अभी समझी, एक तो पहला ये समझा कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। सो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर है, जहां पर ये कंपोनेंट्स जो हैं आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे चीनी और पानी को हम मिलाते हैं तो क्या चीनी पानी के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, वो डिसॉल्व हो जाता है उसमें। लेकिन वही अगर हम बोले कि Na में पानी को मिलाइए, सोडियम में पानी को मिलाइए, तो रिएक्शन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। मतलब जिन चीजों को आप मिला रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, कोई एक ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट होगा। इनको हम बोलेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब इसके बाद बात आता है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार से हो सकता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी। ये बात तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन के कितना प्रकार हो सकता है। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन का डेफिनेशन कहा जाए तो क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, इज नोन एज क्या, सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के रूप में इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल को पानी में घुला दिया सॉल्यूशन बनेगा, तो ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। अब सवाल है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सॉलिड किसी लिक्विड में घुल रहा है, जैसे चीनी, शुगर मान लीजिए सॉलिड है, उसको आपने पानी में घुला दिया, लिक्विड में घुला दिया, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया जिसमें सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इथाइल अल्कोहल को आप वाटर में डिसॉल्व करा रहे हो, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, वाटर में लिक्विड है, सो लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करा रहे हो, ऑक्सीजन तो वाटर में डिसॉल्व होता ही है, तभी तो फिश वगैरह उससे सांस ले पाती हैं अपने गिल्स के हेल्प से। सो वहां पर के एग्जांपल में ऑक्सीजन विच इज गैस इज बीइंग डिसॉल्व इन वाटर, सो गैस इज डिसॉल्व इन वाटर। ऐसा भी हो सकता है कि आप लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करा दो, जैसे मॉइस्चर उसकी बूंदे, उसमें क्या होता है H2O मॉलिक्यूल्स जो होता है लिक्विड वो घुल जाता है एयर में, गैस में। तो इस तरह से तमाम ऐसी पॉसिबिलिटीज पर हमको बात करनी है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो सॉल्यूशन टोटल कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है, उसी 9 का चार्ट यहाँ देख रहे हैं। इसको याद नहीं रखना है, ये तो ऑलरेडी याद ही रहता है जनरली आदमी को। जैसे पहला है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के रूप में सॉलिड हो और सॉल्वेंट के रूप में भी क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा भाई? तो ऐसा सॉल्यूशन होगा एलोएस। जैसे मान लो आपने 1 kg सोना में 5 g कॉपर मिला दिया, 1 kg सोना को मेल्ट किया, गोल्ड को मेल्ट किया और उसमें 5 g कॉपर को आपने मेल्ट करके मिला दिया और स्टीर करके उसको ठंडा कर दिया। अब जो वो मिला अब तो वो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिव भी है, कॉपर और गोल्ड रिएक्शन भी नहीं किया और ठंडा होने के बाद वो सेपरेट आउट भी नहीं हुआ, तो क्या वो जो मिक्सचर मिला वो सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल वो सॉल्यूशन है। तो वो वाला जो एग्जांपल है जिसमें मैंने बताया कि 1 kg गोल्ड में, गोल्ड के मोल्टेन फॉर्म में 5 g मान लीजिए आपने कॉपर मिला दिया, तो वो क्या है, अलोय मिलेगा, मिश्र धातु मिलेगा, अलोय मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। एवरी अलोय इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज आल्सो इन सॉलिड फेज एंड सॉल्वेंट इज आल्सो इन सॉलिड फेज। ब्रोंज
ब्रोंज भी क्या है, अलॉय है, उसमें जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है दोनों सॉलिड फेज में है। सो पहला तरह का एग्जांपल जो होगा सॉल्यूशन का वो होगा जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या कहा जाएगा, ये सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है। क्या चीज का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है। उसके बाद इसका एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो एलॉयज बताया मैंने, ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रोंज, ईटीसी, ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे, ये सभी फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इस क्लास में है, ये दोनों ही पहले वाले क्लास में, मतलब सॉलिड भी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी सॉलिड एंड सॉल्यूट भी सॉलिड, ठीक है। दूसरा है सॉल्यूट लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट सॉलिड हो। सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या हो, सॉलिड हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, ऐसा आप बोल सकते हो। सो क्या बोलेंगे, लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड। एग्जांपल में क्या होगा, अमलगम ऑफ HCl विद Na, सोडियम में मरकरी का अमलगम, मरकरी लिक्विड है सोडियम सॉलिड है, तो जो अमलगम मरकरी का है सोडियम के साथ उसमें क्या है, मरकरी इज डिसॉल्व इन सोडियम, सोडियम सॉल्वेंट है ज्यादा अमाउंट में, मरकरी कम अमाउंट में, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म है, मरकरी इज लिक्विड एंड सोडियम इज सॉलिड। तो यहां पर सॉल्यूट हो गया लिक्विड जो मरकरी है एंड सॉल्वेंट हो गया सोडियम जो सॉलिड है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो गया सॉलिड एंड लिक्विड इन सॉलिड। एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट या अमलगम ऑफ HCl विद सोडियम। उसके बाद बात आता है गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, ठीक है, गैस डिसॉल्व इन सॉलिड। इसको बोलेंगे हम ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा गैस डिसॉल्व इन सॉलिड के कैटेगरी में, जहां पर सॉल्यूट होगा गैस और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। और बोलेंगे यहां पर ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है गैस इन सॉलिड, मतलब गैस सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब गैस कम अमाउंट में है और सॉलिड ज्यादा अमाउंट। एग्जाम्पल क्या होगा, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स। क्या होता है ना कभी कभी कि कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि इंटरस्टिशियल वॉइड्स होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम सुना होगा आपने क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल में। तो डी ब्लॉक की एक विशेषता होती है कि डी ब्लॉक में जो मेटल्स होते हैं उन मेटल के अंदर मतलब क्रिस्टल लैटिस में छोटे 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 वॉइड्स होते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है ऐसे ट्रांजिशन मेटल के पाउडर्ड फॉर्म से, तो उन होल्स में मतलब मेटल लैटिस के अंदर जो होल्स है उस होल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस फंस जाता है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं उसमें। तो वैसे सिचुएशन में हम ट्रीट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के रोल में है और बाकी जो पूरा मेटल है ट्रांजिशन मेटल वो क्या है, सॉल्वेंट के रूप में है। तो उसी का एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पर, हाइड्रोजन इन पैलेडियम मेटल, पैलेडियम मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस उसी रूप में है, किसके अंतर्गत आएगा वो आएगा गैस इन सॉलिड के सॉल्यूशन के एग्जांपल में, ठीक है। उसके बाद है फिर सॉलिड इन लिक्विड, ये तो बहुत कॉमन है भाई, नमक को आप याद रखो सॉल्यूट सॉलिड है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है। जैसे ये कॉमन एग्जांपल है, नमक ले लो सॉल्यूट है नमक, पानी ले लो सॉल्वेंट है, तो पानी क्या है लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, नमक क्या है सॉलिड है, नमक को पानी में उबला दो हो गया ये वाला एग्जांपल, चीनी को पानी में उबला दो हो गया ये वाला एग्जांपल। आप किसी भी सॉलिड को जो घुल सकता है पानी में आप घुला दो, अब ये नहीं कि सोडियम सॉलिड है उसको पानी में घुला दो, रिएक्ट कर जाएगा और जब रिएक्ट कर जाए कोई भी एक कंपोनेंट तो दे कैन नॉट फॉर्म द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे फिर, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। चीनी को पानी के साथ रखने पर विस्फोट नहीं होगा, तो चीनी पानी मिलकर सॉल्यूशन बना लेगा, लेकिन सोडियम को पानी में मिलाने पर विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन। सो सोडियम और वाटर कैन नॉट मेक द सॉल्यूशन, दे विल मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चीनी को पानी में मिला दीजिए, नमक को पानी में मिला दीजिए, और किसको मिलाना चाहते हैं पानी में, मान लीजिए आप मिला दिए सोडियम कार्बोनेट को पानी में, सोडियम कार्बोनेट को मिला दिए तो वो भी घुल जाएगा, सोडियम आयन में और कार्बोनेट आयन में घुल जाएगा। ये वाला जो एग्जांपल हुआ सॉलिड इन लिक्विड, ये काफी कॉमन है, इसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल।
नाम से आप बोल सकते हैं। उसके बाद बात आता है लिक्विड लिक्विड का भाई। लिक्विड लिक्विड का तो बहुत कॉमन है, इथाइल अल्कोहल में आप वाटर घुला दो, इथाइल अल्कोहल बहुत सारा ले लो और उसमें वाटर घुला दो थोड़ा सा, या बहुत सारा वाटर ले लो उसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ले लो उसको डिसॉल्व करा दो, वो भी कौन चीज का एग्जांपल हुआ, लिक्विड सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। आप मान लो ले लो सोडियम हाइपोक्लोराइड और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो, वो भी हुआ, वो भी सॉल्यूशन हुआ। आप थोड़ा सा बेंजीन लो, थोड़ा सा टोलुइन ले लो उसको मिला दो, वो भी क्या हुआ, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ। सो ये तमाम तरह के जो एग्जांपल होंगे वो लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। सो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में एग्जांपल बता दिए हैं, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल को डिसॉल्व करा दो पानी में। उसके बाद आ गया गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता है कि ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है तभी तो एक्वाटिक एनिमल ऑक्सीजन ले पाती है, अगर नहीं घुल सकता ऑक्सीजन पानी में तो फिर कैसे ले पाती हो, मर जाते हो, जितने भी एक्वाटिक एनिमल है सांस के बिना मर जाते हो। इसलिए गैस डिसॉल्व इन लिक्विड में क्या आ जाएगा, O2 डिसॉल्व इन वाटर, जहां गैस है आपका सॉल्यूट एंड लिक्विड है सॉल्वेंट। पानी नदी है, मान नदी है उसमें ऑक्सीजन घुल रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, नदी बहुत सारा पानी है उसमें ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा करके घुल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीजन घुल रहा है इसलिए वो सॉल्यूट हुआ, नदी में जो पानी है वो बहुत सारा है इसलिए वो सॉल्वेंट हुआ। उसके बाद सॉलिड डिसॉल्व इन गैस, ये कौन सी बात है भाई, सॉलिड कोई गैस में घुल रहा है, कपूर कपूर को देख लो भाई, कैम्फर कैम्फर को नाइट्रोजन में घोल सकते हो, कैम्फर कैन बी डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, तो कैम्फर इज अ सॉलिड इट कैन बी डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, ये उसका एग्जांपल हो गया। मतलब कि सॉलिड के रूप में कौन है, सॉल्यूट है, सॉलिड के रूप में कौन है भाई, सॉल्यूट है, और गैस के रूप में कौन है, सॉल्वेंट है। तो आप ले लो कैम्फर और इधर सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लो, N2 ले लो। उसके बाद ले लो लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, अच्छा ये वाला एग्जांपल लिक्विड कोई गैस में घुल रहा हो, ये एग्जांपल तो बहुत कॉमन है भाई। ओस की बूंदे क्या है, ओस की बूंदे H2O मॉलिक्यूल जब एयर में घुल जाती है, माने मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो क्या है, H2O जो लिक्विड है वो गैस में घुला हुआ है। सो लिक्विड माने मॉइस्चर इज डिसॉल्व इन एयर, एग्जांपल देख लीजिए ह्यूमिडिटी इन एयर या क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2, ये भी कॉमन एग्जांपल है जो आप जानते हैं। उसके बाद है या फिर एरोसोल, एरोसोल भी देख लो भाई, ये जो काला हिट आप मारते हो, काला हिट उसमें से एक लिक्विड निकलता है, पहले तो गैस रहता है उसके अंदर, जब आप लो करते हो तो वो लिक्विफाई हो जाता है, सॉरी वो उसके अंदर काला हिट के अंदर लिक्विड रहता है, जब आप स्प्रे करते हो तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है, उसके अंदर से लिक्विड निकलता है तो वो लिक्विड छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में रूम में जो एयर प्रेजेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाता है और वो एरोसोल बनाता है, क्या बनाता है, एरोसोल। वहाँ एरोसोल का मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड है जो उस काला हिट के डिब्बा से निकला है और वो कहाँ डिसॉल्व हो गया है, रूम में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें डिसॉल्व हो गए हैं, वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, काला हिट भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट है गैस डिसॉल्व इन गैस, बहुत कॉमन सी बात है भाई, गैस डिसॉल्व इन गैस, एयर देख लो, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो चीज होता है, बगल में मान लो गोबर रखा हुआ उसमें से मीथेन गैस निकल रहा है, वो भी तो गैस है, वो भी तो मिल गया इसी रूम में, जिस रूम में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उसी में मीथेन भी मिल गया। सो एयर जो गैस है उसमें बहुत सारे गैसेस भी मिल सकते हैं, तो वो बहुत एग्जांपल हो जाएगा। सो गैस में गैस घुल जाए इसका एग्जांपल एक तो एयर हो जाएगा, दूसरा एयर के साथ मान लीजिए ऑक्सीजन है कहीं पर उसमें घुला हुआ है मीथेन गैस, मार्स गैस जिसको हम बोलते हैं, वो भी घुला हुआ, वो भी उसका एग्जांपल हो गया। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ, तो टोटल अगर कहा जाएगी कितने तरह की संभावनाएं हैं सॉल्यूशन बनाने का, 9 तरह का, ऐसे भी समझ लो ना 3P3,
3p3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस इन तीन चीजों को आपस में मिला के कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो, 9 तरह से अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ये बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो तीन सॉलिड लिक्विड सॉलिड को लेकर के टोटल 9 तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल कहा जाए कितने तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, तो 9 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन बी देयर। ठीक है, इसमें सारे का मैंने एक एक करके डिस्क्रिप्शन कर दिया है। अब हमको देखना है सॉल्यूशन, जब आप जान गए, ये भी जान गए सॉल्यूट क्या होता है और ये भी जान गए कि सॉल्वेंट क्या होता है, तब हमको देखना है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है। मतलब जनरली वाटर में हर चीज घुल जाता है, व्हाई इट इज सो, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से क्यों जानते हैं। और ये जानने के बाद फिर हम अगले कदम पर पहुंचेंगे, वो है कंसंट्रेशन। आई होप ये बात समझ में आया होगा, सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो भी समझ में आ गया। कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट, एंड उसके बाद सॉल्यूशन का टाइप हो गया, टोटल 9 टाइप्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ बच्चों, तो अब क्या करना है, अब हमको देखना है, जब हम ये जान गए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का 9 टाइप्स होता है, अभी तक हमने देख लिया सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूट का डेफिनेशन, सॉल्वेंट का डेफिनेशन, अब हम देखना चाहते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने वाला टर्म है ना। मतलब इट डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन the solution, ये amount of solute को बताने वाला term है। Higher is the amount of solute, higher is the concentration of solution, higher is the amount of, higher is the amount of solute in solution, higher is, higher is the concentration, higher is the concentration of solution। जितना ज्यादा solution में solute होगा, solution का concentration उतना ही ज्यादा होगा। Example के तौर पर मान लीजिए हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास 34.2 ग्राम सुगर है, कितने लीटर वाटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। और दूसरे तरफ अगर कहा जाए, कि 342 ग्राम सुगर है इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में। अच्छा, इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सुगर है वो है 34.2 ग्राम, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां पर,
अमाउंट ऑफ सॉलिड अगर कहा जाए कितना है तो आप कहोगे 34.2 ग्राम, और यहां कहा जाए अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना है, तो क्या जवाब दोगे आप, 342 ग्राम। अब आप ही बता दो इन दोनों ही सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किधर जाता है, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो कहा जाए इन दोनों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट इसमें ज्यादा है। सो अगर इसके कंसंट्रेशन को C2 लिखते हैं और इसके कंसंट्रेशन को C1 लिखते हैं तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, C2 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1। आम भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि ये शरबत ज्यादा मीठा है और ये जो शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन है ये कम मीठा है, ज्यादा मीठा शरबत ये है मतलब हायर कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का है। उसी तरह से अगर कोई नमकीन शरबत बना दे बहुत ज्यादा नमकीन है तो बोलेंगे नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है उसमें, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है। सो कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली होता है कि ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, इसी को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। अब सवाल है इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कितने अलग अलग तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा इस पर गौर करिए और इसको जरा सोचिए, फिर देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है आगे बढ़े। कंसंट्रेशन तो समझ में आ गया, ओके अच्छा एक छोटी सी चीज यहाँ पर मेरे को बता दो आप, कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा था, ठीक है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, अगर आप इसमें वाटर मिलाने लगो माने इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाने लगो, वाटर मिलाओगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन इतना है अब इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, सॉल्यूट तो जितना ग्राम था उतना ग्राम रह गए, लेकिन आप अगर आप एक्सटर्नली इफ यू आर एडिंग वाटर तो क्या होगा, होगा ये कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और चीनी 342 ग्राम था वो उतना ही रहेगा, उसको आप ऐड कर नहीं रहे, आप सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो, तो पानी के ऐड करने से सॉल्यूशन की मिठास कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी, माने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, पानी ऐड कर रहे हो ना, तो पानी ऐड करने से वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मिठास कम हो रही है। तो यहां से एक बात पता चला कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आप पानी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा जब इसमें मिठास खत्म हो जाएगी पूरा, जब बहुत ज्यादा V को इंफिनिटी कर दोगे तो C क्या आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा, मैंने वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया कि आप कंसंट्रेशन जीरो हो गया। तो याद रखना है कंसंट्रेशन सॉल्यूट के अमाउंट को बताने वाला टर्म तो है ही, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वॉल्यूम में और कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कंसंट्रेशन के टाइप पर, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन जानने से पहले टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन जानने से पहले मान लीजिए एक आपको केस समझाते हैं, जरा समझिए, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, क्या है वाटर है, एक्चुअली में ये जो कंसंट्रेशन का टाइप है
इसको समझने के लिए एक केस हम कर रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल कर रहे हैं। इस एग्जांपल को आप समझिए, बेहद सावधानी पूर्वक इस एग्जांपल को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कंसंट्रेशन का जो डिफरेंट टाइप्स है उसका क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास एक लीटर पानी है, और इस एक लीटर पानी में सपोज कर लीजिए आपने चीनी का 34.2 ग्राम क्या मिलाया है, अमाउंट मिलाया है, कितना ग्राम शुगर मिलाया है। अच्छा, इसको जैसे ही मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। चीनी को पानी के साथ मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन बनेगा भाई। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि कितना चीनी मिलाया भाई, तो आप कहोगे 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन कितना, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, ये 1 लीटर वाटर में 34.2 ग्राम चीनी मिला होगा, तो वॉल्यूम को बहुत थोड़ा सा बढ़ाया, मान लेते हैं, कंसीडर कर लो कि ये 1 लीटर वाटर में ये 34.2 ग्राम चीनी मिला होगा, तो बहुत कम, या ऐसा कर लो ना 10 लीटर कर दो। क्या कर दो, 10 लीटर में 34.2 ग्राम जो है शुगर का आपने मिलाया है, वो इसमें मिल करके वॉल्यूम को बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहा है, बहुत नेगलिजिबल। तो ये मिलने के बाद भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम हम 10 लीटर लिख दें, 10 लीटर बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कोई हर्ज, आप नहीं कह सकते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो वॉल्यूम ऑलरेडी 10 लीटर है, सॉल्यूट का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम और मान नेगलिजिबल है, तो भी तो जोड़ जाके 10 ही आएगा, मान लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने लिख दिया ऐसा कि 10 लीटर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, 34.2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि कोई आदमी ऐसे बोले, इसको मोल में चेंज कर दे, 34.2 बटा 342, ये ना होगा चेंज करो मोल में शुगर को, तो ये हो जाएगा 0.1, तो कहेगा 0.1 मोल ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन कितना लीटर, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बोल सकता है। अच्छा, ये भी अपनी जगह पर सही है, ये भी अपनी जगह पर सही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपने इसको ग्राम में बोल रहा है और यहाँ पर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोल में बोल रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी ये बोले कि 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर में कितना ग्राम हो जाएगा जी, 10 × 1000 बटा 18, कितना मोल ऑफ वाटर, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब कि 10 लीटर वाटर का मोल कितना हो गया, मोल तो 10 लीटर का मतलब 10 × 1000 बटा इतना ग्राम बटा वेटिंग ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट 18 मोल, तो इतना मोल शुगर का प्रेजेंट है, इतना मोल वाटर में, ये भी बोल सकता है, ये भी अपनी जगह पर सही है। और नहीं तो ये भी बोल सकता है कि 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, या 34 की जगह पर लिख दे 0.1 मोल ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ वाटर, जो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब इसी एक बात को अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। मतलब यहाँ केस बड़ा सिंपल सा था, केस ये था कि 10 लीटर वाटर था, उसमें 34.2 ग्राम हमने शुगर मिलाया था, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व किया, कुछ ने बोला कि मोल 0.1 मोल चीनी का उस 10 लीटर में है, कुछ ने कहा 0.1 मोल चीनी के 10,000 × 18 मोल में है, कुछ ने कहा 34.2 ग्राम
चीनी के 10 लीटर में है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही बता रही हैं और ये सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब आपने ये बहुत अच्छे तरीके से देखा कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो अनेकों तरीका है और सब अपने अपने जगह पर सही है। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई एक तरीका नहीं होगा, बहुत सारा तरीका होगा। कोई मोलरिटी में करेगा, कोई नॉमरिटी में करेगा, कोई मोल फ्रैक्शन में करेगा, कोई पीपीएम में करेगा, कोई ग्राम पर मिलीलीटर में करेगा, बहुत सारा तरीका और सब अपने अपने जगह पर सही है। इसलिए वी हैव टू नो अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीकों में नापते हैं और अलग अलग तरीकों से जानते हैं, हालांकि हर तरीका अपने अपने में सही है। ऐसा नहीं कि जिस समय हम किसी क्वेश्चन का मोलरिटी निकाल रहे हैं उस समय उसका नॉर्मलिटी नहीं निकाल सकते। आप उस समय उसका नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो, आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, आप मोलरिटी भी निकाल, हर चीज़ निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो तरीका ये है कि टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो जो चीज़ हमको पढ़ना है वो ये कि पहला है मोलैरिटी, दूसरा है नॉर्मलिटी। माने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोलरिटी, नॉर्मलिटी। मोलरिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, और तीसरा मोलैरिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, चौथा मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, पांचवा पीपीएम, छठा परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, और सातवा मास परसेंटेज। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मास परसेंटेज। इस तरीके से आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब बारी बारी से हमको डिटेल में देखना है कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, उस पर जेई में बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको हमको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या कहता है भैया? मोलैरिटी कहता है कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को मोलैरिटी बोल दो। माने इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of present in 1 liter of solution present in 1 liter of solution, मतलब कि 1 liter solution में कितना मोल किसी भी सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है वही उस सॉल्यूशन का मोलिटी हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 500 ml में 4 मोल प्रेजेंट है, तो
एक लीटर में कितना परसेंट हो जाएगा? 8। इसलिए मोलरिटी कितना हो जाएगा? 8। अगर एक लीटर में 3 मोल परसेंट है किसी भी सॉल्यूट का तो मोलरिटी हो जाएगा 3। अगर 250 ml में 3 मोल परसेंट है तो एक लीटर में कितना परसेंट हो जाएगा? 250 ml में 3 तो 500 ml में 6 तो एक लीटर में 12, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा? 12। मतलब ये एकदम फिक्स्ड है कि मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम को क्या होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम शुड बी 1 लीटर। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। वही लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मान लो कि वी लीटर में एक्स इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मान लो इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन मान लो x या n मोल, वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन n मोल, n मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, n मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, तो एक लीटर में कितना हो जाएगा? एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो जाएगा? n / v मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। और एक लीटर में जितना मोल प्रेजेंट है वही मोलरिटी हो जाएगा। एक लीटर में इतना मोल प्रेजेंट है इसलिए यही मोलरिटी हो जाएगा। मोलरिटी आपकी कितनी हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी m / v, दिस इज योर मोलरिटी। समझ में? ध्यान में रखना है कि इस एग्जांपल में, इस फॉर्मूला में वॉल्यूम को हमने लीटर में लिया है। अरे ये जो फॉर्मूला है कि मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर, ये लीटर में है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, मान लीजिए वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, तो आपको इसको लीटर में चेंज करना होगा ना। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे 1000 गुना करोगे तो उधर चल जाएगा, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू वी एम एल इंटू 1000। तो मोलरिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ध्यान भी रखना है यहाँ पर कि m का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और n है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ना, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और v ml है इस फॉर्मूला में वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो या वॉल्यूम इन लीटर हो, ये वॉल्यूम है किसका? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का कि सॉल्यूशन का? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगर कोई सॉल्यूशन, मान लीजिए अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 10^-1 है तो कहा जाएगा डेसी मोलर। 10^-1 का मतलब डेसी मोलर, 10^-2 का मतलब सेंटीमोलर। उसी तरह से कहा जाए 10^-3 तो ये हो जाएगा मिलीमोलर। क्या हो जाएगा? मिलीमोलर। तो डिफरेंट तरीके से अगर मोलरिटी अगर 10^-1 है, मैंने वो डेसी मोलर सॉल्यूशन हुआ, 10^-2 मतलब सेंटीमोलर हुआ, और 10^-3 इसका मतलब मिली मोलर वो सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। बोलो, जैसे क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ मच, क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टू मेक डेसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और उसको 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराना है। कितना डिसॉल्व करा है उस 100 ml सॉल्यूशन में, कितना मोल इसका डिसॉल्व करा है या कितना ग्राम डिसॉल्व करा है, जो भी कैलकुलेट करो, ताकि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो डेसी मोलर हो जाए, वो क्या हो जाए, डेसी मोलर हो जाए। तो कैसे बनाएंगे भाई हम, तो देखो बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि मोलिटी तो हम जानते हैं, मोलिटी को हम जानते हैं कि मोलिटी होता है मोल बटा वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू क्या, 1000। एंड मोल कितना है भाई, मोल हमको नहीं पता, वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना है, 1000 100 है वो वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यहां देखो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 100 है। और मोलरिटी कह रहा है डेसी मोलर, डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब मोलरिटी कितना, 10 टू द पावर माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि देसी का मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, सेंटी का मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, मिली का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 1/10 हो जाएगा, ये n बटा कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, मतलब 10n, तो n बराबर कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2। n बराबर कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2, और 10 टू द पावर माइनस 2 ये हो गया मोल, ये हो गया मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इतना मोल आपको डिसॉल्व कराना पड़ेगा 100 ml में, तब जाके डेसी मोलर सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन कितना ग्राम की कैसे निकालेंगे, थोड़ा सिंपल सा बात है, आप मोल और वेट इन ग्राम वाला फार्मूला लगा दो, मोल 10 टू द पावर माइनस 2 है, वेट नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 * 100 बराबर वेट, ये बराबर कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1, माने आपको 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व कराना होगा 100 ml सॉल्यूशन में, तब जाके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा, डेसी मोलर होगा। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर डेसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट। तो आंसर कितना हो जाएगा, कितना ग्राम सॉल्यूशन आपको, कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको डिसॉल्व कराना है, 1 ग्राम, यही आंसर हो गया। बस एक तो सामान्य क्वेश्चन था, एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े,
अब देखो, अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, रिजॉल्विंग आइडिया क्वेश्चन है ये, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है ये 15 के आसपास का, रिजॉल्विंग
सॉल्यूशन का मैंने क्वेश्चन ये था कि 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम पानी में मिलाया तो ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसका डेंसिटी इतना है 1.15 ग्राम पर एमएल, तो बताओ सॉल्यूशन की मोलिटी क्या है। क्वेश्चन ये था, तो किया हमने ये कि सबसे पहले हम ये देखें कि 1000 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया मिलाया जा रहा है तो सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 1000 प्लस 120 1120, और डेंसिटी है 1.15, तो डेंसिटी और मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल लिया। अब वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलिटी निकल गया, मोलिटी निकल गया, मोलिटी कितना हो जाएगा भाई, मोलिटी हो जाएगा मोल, 120 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा यूरिया के, 2। क्यों, क्योंकि यूरिया जो होता है ये होता है, आप लोगों को तो याद हो जाना चाहिए अभी तक कि यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 होता है, सबको जोड़ोगे 14 14 28 32 32 32 44 44 60 हुआ भाई, मोलर मास 60 होता है, 120 ग्राम में 2 मोल नहीं हो जाएगा, तो 2 और वॉल्यूम की जगह पर क्या रखेंगे, 1120 इनटू 1.15 इनटू 1000 काट करोगे तो 2.05 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप मोलरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मोलरिटी में ज्यादा उथल पुथल नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा कि आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमेशा मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेना है, बस पर क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इतना जानने के बाद हमको देखना है मोलरिटी इक्वेशन, क्या देखना है मोलरिटी इक्वेशन, व्हाट इज मोलरिटी इक्वेशन, उस पर हमको बात करना है, तो उसको भी बात कर लेते हैं। मोलरिटी इक्वेशन क्या है, मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, जरा उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम
B1 है। और मान लीजिए इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? कुछ भी है, मैं 100 ml, 200 ml, 500 ml। वाटर ऐड करने से दो चीजें होंगी, आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि वाटर ऐड करने से सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वाटर ऐड करने से दो चीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन डाउन होगा। तो दो चीजें एक साथ होगी, एक कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वाटर को जैसे ही आपने ऐड किया, मैंने आपने इस सॉल्यूशन में क्या किया, एडिशन ऑफ वाटर, जैसे ही पानी को ऐड किया, अब जो वॉल्यूम है, अब वो वॉल्यूम कितना हो गया, अब वो वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है, अब क्या मोलरिटी वही रहा? नहीं, कम हो गया। इतना बात तो फिक्स है कि इसका मोलरिटी M1 है और उसका मोलरिटी M2 है, तो M2 जरूर कम हो गया होगा M1 से, क्योंकि इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और पानी ऐड करने से कंसंट्रेशन कम हुआ होगा, माने रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका कंसंट्रेशन कम हुआ होगा, माने मोलरिटी M2 इज लेस देन M1। तो सवाल ये है कि ये M2 है कितना, ये है कितना, ये कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले ये देखो कि इस कंडीशन में जिस समय हम इस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड कर रहे हैं, एक चीज है जो नहीं बदला है, सोचो क्या एक चीज है जो नहीं बदला है, वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट इसमें था, सॉल्यूट का मोल जो भी था इसमें, पानी को ना ऐड किए हैं, पानी तो सॉल्वेंट है, पानी के ऐड होने से सॉल्यूट पर कोई फर्क थोड़ी पड़ा होगा। हम कह रहे हैं कि एक गिलास पानी है, उसमें 100 ग्राम एक बाल्टी पानी है, आधा बाल्टी पानी है, एक बाल्टी है मेरे पास, उसमें आधा बाल्टी पानी है, उसमें एक चम्मच चीनी रख दिया, चीनी को डिसॉल्व करा दिया, अब उसमें पानी भरते जाइए, बढ़ाते जाइए, चीनी तो एक ही चम्मच ना रहा भाई मेरे, चीनी तो नहीं बदला। सो अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट इज बीइंग डिसॉल्व इनसाइड द सॉल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। तो इसमें दो चीज बदला है, एक तो वॉल्यूम बढ़ा है, कंसंट्रेशन घटा है, और कौन ऐसा चीज है जो नहीं बदला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का मोल यहां पर कहां जाकर कैसे निकलेगा, तो मोलरिटी वाले फार्मूला से, है ना, लीटर में रहेगा तो 1000 नहीं लगेगा, मिलीलीटर में रहेगा 1000 लगेगा, मोलरिटी की जगह N1 है, वॉल्यूम की जगह V1 है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन के अंदर मोलरिटी M2 है, ये बराबर क्या होगा, N बटा V2, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई, M2 into V2। मान मोल है यहाँ पर N1, यहाँ N1, यहाँ मोल है M2। अच्छा, इक्वेशन 1-2 से देखो, तो मतलब मेरे बात को समझो, इस कंडीशन में जहां मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, उस कंडीशन में मैंने मोल निकाल लिया, मैंने मान लो मोल L1 था, तो मोल कैसे निकलेगा, N1 बराबर L1 V1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इस कंडीशन में मोलरिटी M2 था, वॉल्यूम V2 था, तो मोल कैसे निकलेगा, M2 × V2। ये दोनों मोल बराबर है कि अलग अलग है, बराबर है, क्योंकि पानी ना मिलाया है आपने, पानी मिलाने से मोल थोड़ी बदल जाएगा, माने एडिशन ऑफ वाटर नेवर अल्टर्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एडिशन ऑफ वाटर डू नॉट अल्टर्स मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए N1 बराबर क्या, N2, इसलिए M1 V1 बराबर कौन चीज, M2 V2, इसलिए ये फॉर्मूला साबित हुआ। माने फर्स्ट वाला जो केस है, ये एकदम अच्छे से समझ में आया कि ये कब लागू होगा और ये कैसे डिराइव हुआ। माने ये भी समझ में आ गया हमको कि ये फॉर्मूला तभी तक के लिए है जब वाटर को डिसॉल्व कराया जा रहा हो पहले से बने हुए एक सॉल्यूशन में। वाटर को डिसॉल्व कराना केमिस्ट्री में डाइल्यूशन कहलाता है।
माने ये फॉर्मूला कब के लिए है? इट इज यूज्ड फॉर यूज्ड व्हेन देयर इज केस ऑफ डाइल्यूशन, व्हेन देयर इज केस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड कराया जाए तब जाके ये काम। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मैंने पहला वाला फॉर्मूला समझ में आया, बच गया दूसरा फॉर्मूला, दूसरा भी बात करेंगे, लेकिन पहले पहला फॉर्मूला को बात कर लो। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस पर एक सवाल करते हैं। है ना, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पहले से कोई सॉल्यूशन है, पहले से कोई सॉल्यूशन है नहीं, और ये जो सॉल्यूशन है पहले से कितना एमएल है? 250 ml, और इसका कंसंट्रेशन कितना है? 2 m। अब इसमें आप वाटर मिला रहे हैं और मिला करके इसको कितना पहुंचा दिए आप? 400 ml। मैंने पानी पहले से था, जाहिर सी बात है आपने कितना मिलाया होगा? 150 ml मिलाया होगा, तभी तो वो 400 ml पहुंचा होगा। करा क्या बताओ आप, इसकी मोलरिटी कितनी होगी? तो आप जान रहे हो कि पानी ऐड हुआ है, माने डाइल्यूशन का केस है, और जब डाइल्यूशन का केस है तो फॉर डाइल्यूशन हम जानते हैं कि ये वाला जो केस है ये पक्का सही उतरता है, m1v1 = m2v2। दैट मींस कि m1v1 by m2 this is equal to m1 v1 by v2 this is equal to m2, मतलब m2 is equal to क्या हो जाएगा? m1 कितना है आपका? 2, v1 कितना है? 250 by 400, मतलब 5 by 4, मतलब 1 point कितना आएगा? 1 मतलब 2 5। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको जरा देखते हैं। MRVR this is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus dot dot dot, इसको कैसे डिराइव हुआ ये देखते हैं। ठीक है,
दूसरा जो केस है इसमें क्या है कि मान लीजिए पहले से हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सपोज कर लीजिए कितना वॉल्यूम है, इस सॉल्यूशन में मान लीजिए हमारे पास m1 कंसंट्रेशन है और b1 वॉल्यूम है, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा भी सॉल्यूशन है, याद रखिए दोनों सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूमिटी m2 है और वॉल्यूम कितना है v2 है और इन दोनों को आपस में मिक्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मिक्स किया जा रहा है। मिक्स किया जा रहा है तो क्या होगा भाई? होगा ये कि आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इतना तो पता है कि वॉल्यूम जो होगा नया वाला वॉल्यूम वो दोनों के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्या नया वाला कंसंट्रेशन दोनों के बराबर हो जाएगा? m1 + m2 के बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मींस mr माने पहले तो आप mr समझो क्या है। mr दिया मिस्टर नहीं, mr है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मोलैरिटी और vr है रिजल्टेंट वॉल्यूम। देखो यहां ये समझना है कि एक सॉल्यूशन है पहले से, दिस इज सॉल्यूशन वन, दिस इज सॉल्यूशन टू, दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं। इससे पहले वाले केस में क्या था? एक सॉल्यूशन था उसमें पानी को मिला रहे थे, पानी सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो केमिकली देखे तो वो भी सॉल्यूशन है, उसमें भी बहुत सारे आयन घुले हुए हैं, बट मोटा मोटी तौर पर इन लमसम वे पानी को सॉल्यूशन नहीं मानेंगे हम। तो पिछले वाले केस में क्या था, एक ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ था उसमें पानी को हम ऐड कर रहे थे। अब क्या है कि दो सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो अगर ये 100 ml है, ये 200 ml है, तो ये तो पता है कि वॉल्यूम 300 ml आ जाएगा, लेकिन क्या इसकी मोलरिटी 2 है, इसकी मोलरिटी 3 है, तो इसकी मोलरिटी 5 हो जाएगी? नो, नहीं हो सकती है। हम कहें कि आप दो ग्लास रखें, एक में खूब मीठा शरबत रखें, एक में खूब फीका शरबत रखें। अच्छा, ये मीठा वाला में फीके वाले को मिला दीजिए तो क्या मिठास बढ़ जाएगी? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना, कंसंट्रेशन तो लो होगा और घट ही जाएगा। जो मीठा शरबत था उससे भी कम हो जाएगी मिठास। माने हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन 2 था और 3 था तो कंसंट्रेशन 5 हो जाएगा, उल्टे कम ही हो जाएगा, 2 से भी कम हो जाएगा। मतलब कि कंसंट्रेशन हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि 2 और 3 है तो 5 या 2 से कम 3 से कम, कुछ एक एक्चुअल वैल्यू तो पता होना चाहिए जिससे ये पता चले कि कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि इसमें अगर मोल की बात की जाए, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? m1 बटा v1, सॉरी मोलरिटी अगर निकाला जाए यहां तो कितना हो जाएगा, मोलरिटी अगर निकाला तो कितना हो जाएगा n1 बटा v1, मतलब मोल कितना हो जाएगा m1 into v1। उसी तरह से यहां कहा जाए मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम, मतलब m2 बराबर m2 into v2। ध्यान दीजिए यहां पर जो n1 है ये है मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, इन सॉल्यूशन 1, और m2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2। अगर कहा जाए कि यहां कितना मोल है तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूट का मोल और इसका सॉल्यूट का मोल ये दोनों मिल गया होगा। माने यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 plus n2, because इसमें n1 मोल है सॉल्यूट का और इसमें कितना मोल है n2 मोल। बड़ा सिंपल सा बात है, इसमें n1 मोल है ना और इसमें कितना मोल n2 मोल है, तो जो सॉल्यूशन बना जिसमें दोनों को मिलाए हैं उसमें कितना मोल होगा? n1 plus n2, मोल तो हमको पता चल गया कि n1 plus n2 है। अब इस सॉल्यूशन के लिए क्या मोलरिटी का फॉर्मूला निकालें? मोल
वन और एक जगह क्या रखेंगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बटा वी वन प्लस वी टू, यही हो गया आपका मोलैरिटी। मतलब कि जो रिजल्टिंग मोलैरिटी होगी वो होगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। इस तरीके से रिजल्टिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला डिराइव होगा। इस तरह क्वेश्चन करते हैं आईडी का, एक क्वेश्चन करते हैं आईडी। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी क्या है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग वी
50 का आउटपुट करिएगा तो 0.875 आएगा m, सो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आपने आज के क्लास में मोलरिटी देखा और मोलरिटी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी देखा। तो बेसिकली आज का जो क्लास था उसमें 12th क्लास का मतलब फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। ऐसे तो सॉलिड स्टेट भी है लेकिन शुरुआत हमने सॉल्यूशन से किया है, ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, इसलिए सॉल्यूशन देखा हमने, सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है वो देखा, कंसंट्रेशन देखा और कंसंट्रेशन में पर्टिकुलरली हमने मोलरिटी को देखा, मोलरिटी को मोलरिटी इक्वेशंस के साथ देखा। ठीक है, अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोलरिटी। ओके।